राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस नेताओं का इंतजार और लंबा होने वाला है। प्रदेश में 8 फरवरी को निकाय चुनाव खत्म होते ही सरकार ने बजट सत्र बुला लिया है। इसके बाद मार्च में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में राजस्थान की सियासत में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक के सभी कार्यक्रम अप्रैल के बाद ही संभव नजर आ रहे हैं। हालांकि राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार की AICC महासचिव और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने यह कहा था कि प्रदेश में जनवरी और फरवरी के बीच राजनीतिक नियुक्तियां कर ली जाएंगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया अब उपचुनाव के बाद ही आगे बढ़ेगी। प्रदेश संगठन में नियुक्तियां शुरू होने बाद गहलोत सरकार पर राजनीतिक नियुक्तियों को जल्द करने का दबाव बढ़ गया है। संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को लेकर हाल ही में सरकार ने माधविकता AMK सिंधवी से राय मशवरा भी लिया था। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर संगठन और सरकार के स्तर पर एक्सरसाइज की भी की गई थी। उपचुनाव के पहले जोखिम लेने को तैयार नहीं है सरकार, उम्मीद से कम प्रतिनिधित्व करने पर बढ़ सकती है नाराजगी। सचिन पायलट खेमा लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि जनवरी फरवरी में ही राजनीतिक नियुक्तियां कर ली जाएंगी। यही नहीं, गहलोत खेमे के विधायक भी चाहते हैं कि राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार की कार्यवाही जल्द कर ली जाए, लेकिन उपचुनाव से पहले सरकार कोई जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। उपचुनावों से पहले सरकार मंत्रिमंडल फेरबदल या राजनीतिक नियुक्तियां करती है तो उससे उन वर्गों में नाराजगी भी पनपेगी जिन्हें उम्मीद के मुताबिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। एक गलत कदम सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। यही वजह है कि सरकार ने रातों रात बजट सत्र का नोटिस जारी कर दिया। पहले यह बजट सत्र फरवरी के अंतिम सप्ताह में बुलाने की तैयारी थी। सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाता है। सरकार ने आनन फानन में गुरुवार शाम को ही गवर्नर को प्रस्ताव भिजवा दिया। राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार साथ साथ। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रियाएं साथ साथ ही चलेंगी, लेकिन अब सरकार ने 10 फरवरी को बजट सत्र बुलाए जाने का प्रस्ताव रख दिया है। 8 फरवरी तक प्रदेश में चुनाव है, इसके चलते 20 जिलों में आचार संहिता रहेगी। इसके बाद 6 अप्रैल से पहले प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव करवाकर उनके परिणाम भी जारी किए जाएंगे। बजट पास करवाने के लिए सरकार को कम से कम 15 से 16 कार्य दिवस चाहिए। इस हिसाब से मार्च के पहले सप्ताह तक तो सरकार बजट में ही रहेगी। इसके तुरंत बाद उपचुनाव की तैयारियों में उसे लगना होगा। ऐसे में उपचुनाव से पहले न तो मंत्रिमंडल फेरबदल दिखा रहा है और न ही राजनीतिक नियुक्तियों के लिए माफिक हालात नजर आ रहे हैं।